क्रोध में लिया गया निर्णय हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बन सकता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की दूसरी कविता राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के जो दो पद हमारे रहते थे उनको पूरा करेंगे। दो वीडियो में हमने दो दो करके उन पदों की व्याख्या कर ली थी। तुम तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। जब परशुराम लक्ष्मण को बार बार मारने की धमकी दे रहे थे कि एक मिनट में मैं आपको मार दूंगा, तुरंत ही मेरा कुल्हाड़ा आपको काट देगा, तब लक्ष्मण कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि तुम यहां पर कौन? परशुराम। कि कालू हांक, कालू यहां कौन? मौत को, मौत के देवता को, काल देवता को। हांक की हांक हांक कर जनु लावा, बार बार की बार बार मोहि लागे बुलावा, कि मोहि मेरे लिए, कि मेरे लिए बार बार हांक हांक के जैसे काल देवता को बुला करके लेके आ रहे हो, जैसे काल देवता आपके आगे आगे हो रहे हैं और आते ही तुरंत मेरी मौत कर देंगे। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परसु फरसा सुधारी संभाल लिया, धरेव कर घोरा, कर होता है हाथ, घोरा रखना। कि जैसे ही लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुने, परशुराम ने तुरंत ही ऐसे मारने के लिए फरसा अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनी देऊ दोसु मोहि लोगु, कटबादु बालकु बद जोगु। परशुराम ने कहा, अब जनी देऊ दोसु मोहि लोगु, लोगु कौन? जो सभा में जो बैठे हैं ना, उन लोगों को कहा कि अब दोष मत देना कोई भी मेरे को। कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बालकु बालक कौन यहां पर? लक्ष्मण। कि जो कड़वा बोलने वाला जो ये लक्ष्मण है, ये बद जोगु, बद जोगु होता मारने योग्य, कि अब ये मारने योग्य है, ये बार बार मेरे सामने बोल रहा है, अब मेरे को कोई दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब येहू मर निहार भा सांचा। परशुराम कहते हैं कि बाल बिलो की होता देख कर, बांचा कि मैंने छोड़ दिया, मर निहारा मरने वाला, भा सांचा सचमुच, कि अब यह बालक मरने वाला है सचमुच। और बालक समझकर, बालक बिलोकी देखकर, मैंने बहुत बार इसको छोड़ दिया, मैंने ये सोचा कि बालक है कोई बात नहीं, कई बार इसको छोड़ दिया, लेकिन अब तो ये हद से ऊपर हो गया, अब तो मैं इसको मारने वाला हूं। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। कौशिक कौन? कौशिक देश के राजा के लड़के विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कहा क्षमई अपराधु, अपराध को क्षमा कीजिए, बाल बालक के दोष गुण, दोष और गुण, गनई होता गिनना, न साधु, साधु कौन? सज्जन लोग। कि सज्जन लोग बालक के गुण और दोष नहीं गिनते, अपराध को क्षमा कर दीजिए, बालक है लक्ष्मण, इसको आप क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम ने कहा खर तीखा कुठार, मेरा कुल्हाड़ा तीखा है, मैं अकरुण, करुण होती है दया, अकरुण दया रहित, कि मैं बिना दया वाला हूं, को ही मैं बड़ा क्रोधी हूं, आगे अपराधी जो मेरे सामने जमान लड़ा रहा है ना, आगे गुरुद्रोही, गुरुद्रोही गुरु का दुश्मन, कि मेरे गुरु का दुश्मन, मेरे अपराध करने वाला मेरे सामने कड़ा है और मेरा कुल्हाड़ा तीखा है और मैं बिना दया वाला हूं, यानी कि मैं अब इसको मारने वाला हूं। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं कि उत्तर दे रहा है कौन? लक्ष्मण। की बार बार मेरे को उत्तर दे रहा है, मैं बिना मारे छोड़ रहा हूं। किसके कारण छोड़ रहे थे परशुराम? केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र आपके सील स्वभाव के कारण ही मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं, वरना तो मैं इसको मार देता। नैते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हूं शरम थोरे। कि वरना तो यही कौन? मेरा कुल्हाड़ा काटी काट देता कठोर, मेरा कुल्हाड़ा जो कठोर है वो इसको काट देता। गुरु ही गुरु उरिन, ऋण होता है कर्जा, उरिन बिना कर्जा होते ही हो जाता शरम परिश्रम थोड़े थोड़े।
वरना तो थोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। लक्ष्मण को मार करके मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु कह हृदय हसी मुनहि हरि हरे सूज। गादी सुनु कौन? विश्वामित्र, गादी के पुत्र विश्वामित्र ने सुनकर हृदय हंसी, अपने मन में हंस रहे हैं। जब वो कह रहे हैं ना कि मैं थोड़े से ही परिश्रम से इनको मार देता, परशुराम कह रहे थे कि थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, तो विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं हरि हर सूज, और मन में ये कह रहे हैं कि मुनिवर कौन यहाँ पे परशुराम को। हरि हर सूज, हरा ही हरा सूजना मुहावरे का प्रयोग हुआ है कि कमजोर दिखाई देना, कि परशुराम को सामने जो लक्ष्मण और राम खड़े हैं वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आयमय खांड ने ऊख में अजहु ने बूझ अबूझ। आयमय खांड होती है लोहे की खांड, ऊख में ईक की खांड, कि यहां जो सामने खड़े हैं ना वो लोहे की खांड है। लोहे की खांड कौन? राम और लक्ष्मण। ईक की खांड नहीं है, यानी कि सामने जो ने बूझ अबूझ कि अभी भी उनको समझ नहीं है, परशुराम को अभी भी समझ नहीं है, जो उनके सामने खड़े हैं वो राम और लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय नहीं है, बड़े बलशाली हैं। काव्य सौंदर्य देखें, अवधि भाषा तद्भव शब्द लक्षणा शब्द शक्ति वीर रस ओज गुण दोहा चौपाई छंद, इनके विषय में हमने पहले वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ लिया था। संगीतात्मकता संवादात्मकता मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार, जैसे मैंने इनके नीचे जो डॉट लगा रखी है कि आसानी से समझ में आ जाए, ये हमारे अलंकार हैं। वैसे भी मैंने अलंकार के ऊपर अलग से वीडियो भी बना रखी है, नीचे लिंक पर जाकर के अलंकार की जो दो मेरी वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। काल हांक जनु लावा में उत्प्रेक्ष अलंकार है। कर घोरा रे की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। बाल बिलो की बहुत बै की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। गुन गनई गय की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। केवल कोसिक कै की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। काटी कुठार कठोरे कै की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। अयमय खांड ने ऊख में रूप का अतिशोक्ति अलंकार है, कि राम और लक्ष्मण को लोहे की खांड, जहां सभी उपमे में उपमान के सभी अंगों का आरोप बताया जाता है, वहां रूप का अतिशोक्ति अलंकार होता है। बूझ अबूझ में जय की आवृत्ति जो पीछे हुई है, इसके कारण इसमें भी अनुप्रास अलंकार। चौथा पर देखें, कहेउ लखन मुनि सिलु तुम्हारे को नहीं जान विदित संसारे। लक्ष्मण ने व्यंग्य किया, बड़े सुंदर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, जहाँ व्यंग्य किया जाए जानबूझकर टेढ़ी उक्ति। देखो कैसे, कहेउ लखन ने कहा मुनि सीलू तुम्हारा, सील स्वभाव शांत स्वभाव, को नहीं जाना विदित होता है प्रसिद्ध, संसार सारे संसार में आपका सील स्वभाव शांत स्वभाव प्रसिद्ध है। अरे भाई, परशुराम तो सील स्वभाव के थे ही नहीं। टेढ़ी उक्ति वक्रोक्ति अलंकार। मात पिता की उरिन भय नीके गुरु रिन रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण ने कहा माता पिता के उरिन ऋण से मुक्त हो गए हो, नीके मुक्त हो गए, माता पिता का ऋण तो उतार दिया आपने, पिता का वध किया था आपने, वापिस उनके शस्त्र भाव के जो बच्चे थे उनका वध कर दिया। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी, यानी जो शिव करीन मान रहे हो आप, धनुष तोड़ने वाले को मारना चाहते हो, वो आपके बड़ जी होता है, आपके मन पे भारी पड़ रहा है, बड़ जी के मन के ऊपर बड़ा भारी लग रहा है, बड़ा वजन लग रहा है ऋण का। सो जनु हमारे माथे काटा, लक्ष्मण ने कहा सो जनु वो आप मेरे हमारे मेरे माथे काटना चाहते हो, यानी कि मेरे को मारकर गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाटा, कि दिन चले जा रहे हैं, ब्याज बढ़ बाटा, ब्याज भी अधिक होता जा रहा है। लक्ष्मण कह रहे हैं व्यंग्य ताना मार रहे हैं कि ब्याज
बढ़ जाएगा अगर दिन ज्यादा हो गए। अब आ नहीं बहबरिया बोले, बहबरिया होता है हिसाब किताब करने वाला। आ नहीं अब आ नहीं कि मैं आप बुला करके लाता हूँ हिसाब किताब करने वाले को, और तो हमारा हिसाब किताब कर देगा वरना तो ब्याज बढ़ जाएगा। तुरंत देऊं मैं थैली खोली और मैं अपनी थैली खोल दूंगा, हिसाब कर लेना आप, मैं अपनी बातें सारी बता दूंगा किसका दोष है और किसका दोष नहीं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन कड़वी बातें, लखन की ये जो कड़वी बातें थी ये सुनकर मुनि परशुराम ने कुल्हाड़ा सुधारा, सुधार कर हाथ में ऐसे तैयार हो गए बस अब जैसे मार नहीं पाते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा की सारी सभा में ऐसे हो गई कि हाय अब तो ये तो अनुचित हो गया, गलत हो गया, अब रोको इनको कोई। सभी परेशान हो गए जो जनक सभा में बैठे थे सारे। भीम पर परसु देखा बहु मोहि पीपर बिचारी पंचो नृत्य द्रोही। और जैसे उन्होंने कुल्हाड़ा सुधार कर लक्ष्मण को मारने की तैयारी की तब लक्ष्मण ने कहा भृंगवर ने भृंग के पुत्र परसु परसु फरसा दिखाओ, मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। विपर विचारी, विपर होता ब्राह्मण, विचारी सोचकर कि ब्राह्मण सोचकर वंचो, वंचो मतलब छोड़ रखा था, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु राजाओं के विद्रोही, मैंने आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रखा था और आप मेरे को बार बार फरसा दिखा रहे हो। मिले ने कहूं सुबट रन गाढ़े दिविज देवता करही के बाटे। लक्ष्मण कहते हैं मिले नहीं कहूं कभी आपको मिले नहीं क्या, सुबट होते हैं वीर योद्धा रण लड़ाई क्षेत्र में गाढ़े मजबूत बलशाली, ये बहुत बलशाली और बलवान जो वीर योद्धा है वो कहीं आपको रणभूमि में नहीं मिले क्या। दिविज देवता गरही के बाटे, हे ब्राह्मण देवता अपने घर घर के अंदर ही बड़े हो आप। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवारे। सभी लोग कह रहे थे अनुचित गलत की गलत है ये, अब तो दोनों में युद्ध होगा, अब तो ये गलत हो जाएगा। सारे लोग ऐसे जोर जोर से आवाजें लगाने लग गए और ऐसा सुनकर लोगों की जो बातें सुनकर और जो दोनों के अंदर जो युद्ध होने वाला ऐसी आशंका देख करके रघुपति रघुकुल के पति रघुकुल के स्वामी श्री राम ने शयन ही नयनों के इशारों से लखन को नेवारा यानी कि अलग कर दिया, हटा दिया, नयनों के इशारों से कह दिया कि आप बैठ जाओ शांत हो जाओ। लखन उत्तर आहुति सरिस भृंगवर कोपु कृशानु, लखन उत्तर आहुति सरिस भृंगवर कोपु, भृंगवर कोपु यानी कि परशुराम का जो क्रोध कोपु था क्रोध, कृशानु अग्नि के समान उनका जो तेज क्रोध था उसके अंदर जो लक्ष्मण उत्तर दे रहे थे सामने जो बातें कह रहे थे वो आहुति का काम कर रहे थे। और भटक देखी जलसम वचन बोले रघुकुल भानु, भटक देखी जलसम वचन बोले रघुकुल भानु, कि जैसे ही दोनों में युद्ध होने की आशंका हुई और ये दोनों की बातों को देखकर भटक जलसम यानी कि शीतल वाणी, जलसम वचन शीतल वाणी, कि शीतल वाणी से उन्होंने परशुराम को उत्तर दिया और रघुकुल भानु यानी कि सूर्य रघुकुल के पति रघुकुल के स्वामी श्री राम जो सूर्य के समान है उन्होंने शीतल वाणी से इस युद्ध को टाला अपने शांत स्वभाव से। काव्य सुंदरी देखें अवधि भाषा तद भविष्य व्यंजना शक्ति वीर रस ओज हूं दोहा चौपाया छंद संगीतात्मकता संवादात्मकता तद भविष्य अलंकार वक्रोक्ति अलंकार आने बहरिया एकियावर्ती अनुप्रास अलंकार पीपर बिचारी पंचों में बैकियावर्ती अनुप्रास अलंकार लखन उत्तर आहुति सरिस ग्रंथों में हमारा क्या आएगा उपमा अलंकार और जल समवचन में भी उपमा अलंकार।
है कि आपको राम परशुराम लक्ष्मण श्रहाद पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। घर रहें, स्वस्थ रहें।